जय हिंद दोस्तों। और आज मैं आ गया हूँ एक और नई जगह कर्नाटका के अंदर। मैं हूँ अभी ये जॉग फॉल्स, और ये आपको जो सामने दिख रहा है ये कर्नाटका का जॉग फॉल्स है। यहाँ पे मैंने स्टॉप लिया था केरला जाने के लिए, और बहुत ब्यूटीफुल जॉग फॉल्स है। यहाँ से अब मैं आगे बढ़ूँगा। जो जॉग फॉल्स है आपका ये बारिशों में बहुत ब्यूटीफुल हो जाता है, और ये वन ऑफ द बेस्ट वाटरफॉल्स जो है वो इंडिया के उनमें आता है। तो जब भी आप लोगों को कर्नाटका आना है आप ज़रूर यहाँ पे रुकिए। और सुबह सुबह मैं केरला फाइनली पहुँच गया हूँ, और अर्ली मॉर्निंग केरला में मैं अभी एंटर किया हूँ। आपको नियर बाय दिख रहा होगा ये ब्यूटीफुल ग्रीनरी जो आपको नज़र आ रही है, ये सुंदर रोड्स, और ये इतना कम ट्रैफिक और सारे में फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट, ये केरला की ब्यूटी है। पैराडाइज ऑन अर्थ है ये जगह, और इतनी ग्रीन है। सुबह से जब मैं राइड कर रहा हूँ जगह जगह आपको यहाँ पे छोटे छोटे वाटरफॉल्स दिखेंगे, और पानी रनिंग वाटर दिखेगा, क्लीन वाटर दिखेगा, रिवर्स दिखेंगी इतनी सारी, बहुत ब्यूटीफुल है। मतलब कर्नाटका जब मैं पहुँचा था मैं बहुत ज़्यादा खुश था ग्रीनरी देख के, बट केरला जब से मैं एंटर हुआ हूँ मेरा केरला को देखने का नज़रिया ही बदल गया है। दैट मीन्स के इतना सुंदर स्टेट मैंने कश्मीर के बाद आज पूरे इंडिया में देखा है, और इतना ग्रीन जो आपको सामने दिख रहा है, जंगल ही जंगल। केरला जो है कश्मीर के बाद मेरी नज़र में इंडिया का सबसे ब्यूटीफुल स्टेट है। आप कंपेयर नहीं कर सकते। अगर आप माउंटेन्स और विंटर लवर हैं तो ज़रूर आपको कश्मीर पसंद आएगा। अगर आप नेचर और अगर आप वार्म वेदर वाले, अगर आपका टेस्ट है बीचेस का आपका टेस्ट, तो मैं रिकमेंड करूँगा केरला जो है वो इंडिया का बेस्ट स्टेट है, नो डाउट इन दैट। और ये ब्यूटीफुल केरला जो आपको सामने दिख रहा है, ये रोड्स हैं, और ये इलेक्शन का यहाँ पे टाइम है इसलिए आपको बहुत सारे कैंडिडेट्स की फ़ोटो दिख रही हैं। और इलेक्शन जो है मैंने यहाँ पे नोटिस किया कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं और काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल पे इलेक्शन होते हैं, हालांकि मुझे ज़्यादा समझ नहीं आया कि क्या प्रोसीजर है इलेक्शन का, बट काफ़ी ज़्यादा। और आज जो मेरा प्लान है वो मुन्नार जाने का है। मुन्नार जाते वक्त के रास्ते में बारिश का मौसम हो गया था, और बहुत ब्यूटीफुल बादल हर तरफ हो गए थे, बिल्कुल ग्रीन केरला। और आज जो मुझे है एक नेशनल पार्क जाना है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल नेशनल पार्क है, जिसके बारे में आपको आगे बताऊँगा। और आपको वेदर आसपास दिख रहा होगा कि कितना अमेजिंग है, ऐसा ही पूरे वेदर में मैंने राइड करा है, और बहुत ब्यूटीफुल बारिश और ग्रीनरी। और फाइनली इसके बाद जो नेशनल पार्क मुझे जाना था वो यहाँ का बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है, और जिसका नाम है पेरियर नेशनल पार्क। और ये आपको जो सामने दिख रहा है ये यूरोप नहीं है, ये पेरियर नेशनल पार्क है, और ये केरला में एग्जिस्ट करता है। ये ब्यूटीफुल जगह आपको जो दिख रही है बिल्कुल यूरोप जैसी आपको सीनरी लगेगी अगर आप शूट करें, या अगर आप यहाँ पे खड़े होकर देखें। बिल्कुल क्लीन, और यहाँ पे क्लीन वाटर, कोई गंदगी नहीं, बिल्कुल साफ़। और इतनी बर्ड की स्पीशीज़ आपको पेरियर नेशनल पार्क में मिलेंगी। हालांकि यहाँ पे आपको बोट में ट्रैवल कराया जाएगा, और यहाँ पे मुझे बाइसन स्पॉट हुआ, और यहाँ पे बहुत सारे टाइगर्स भी हैं जो इस पेरियर नेशनल पार्क के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। हालांकि उनको स्पॉट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि वाटर और रिवर के बहुत अंदर जाके टाइगर्स यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, तो इसी वजह से टाइगर भी स्पॉट नहीं हुआ, पर बाइसन स्पॉट हुआ। बहुत ब्यूटीफुल बर्ड्स की स्पीशीज़ मुझे यहाँ पे दिखी, जो बहुत ही अमेजिंग थी। बहुत सारे बर्ड्स थे, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के यहाँ पे एनिमल्स एग्जिस्ट करते हैं। पेरियर नेशनल पार्क जो है वो केरला का एसेट है, केरला का सबसे ब्यूटीफुल नेशनल पार्क है। और अगर आप कभी भी साउथ में आते हैं तो केरला ज़रूर आप ट्रैवल कीजिए, केरला की ब्यूटी आप चेक कीजिए, आप खुद देखिए आपको समझ आएगा। ये सामने जो आपको ब्यूटीफुल नीला पानी जो दिख रहा है और पूरा फॉरेस्ट एरिया दिख रहा है, ये पूरा पेरियर नेशनल पार्क का इंटीरियर है। और अभी मैं अपनी राइड पे हूँ बोट में, और जो आपको अंदर नज़र आ रहा है ये ब्यूटीफुल केरला है पूरा। और ये जो यहाँ पे आपको पेड़ उगे हुए दिख रहे हैं, ये ब्रांचेज जो हैं इनके ऊपर बहुत ब्यूटीफुल बर्ड्स बैठते हैं। यहाँ पर बर्ड फोटोग्राफी बहुत ज़्यादा कॉमन है। और पेरियर नेशनल पार्क कवर करने के लिए आपको 2 से 3 घंटे का आपको बोटिंग राइड यहाँ पे लेना पड़ेगा, और उस बोटिंग का जो एक्सपीरियंस रहेगा वो काफ़ी डिफरेंट रहेगा। और बहुत अमेजिंग है ये जगह, और बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत पीसफुल है। और जो सामने आपको पूरा ये जितना एरिया आपको दिख रहा है ये सारा कोर जोन है। दिस इज़ ऑल अनटच्ड जोन, दैट मीन्स इस लैंड पे कोई भी ह्यूमन बीइंग एंटर नहीं कर सकता। इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे आप बिल्कुल एंटर नहीं कर सकते, यहाँ कोई भी इंसान नहीं जाता। नेचुरल फ्लोरा एंड फौना जो है वो अपने
फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और इसको आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। बहुत ब्यूटीफुली इस चीज़ का ध्यान रखा गया। आप सिर्फ एक बोट में बैठते हैं, पूरा नेचुरल फ्लोरा फौना देखते हैं एंड उसके बाद आप अपनी राइड को ख़त्म करते हैं और पेरियार नेशनल पार्क को आप एक्सप्लोर करते हैं। पेरियार नेशनल पार्क का जो मेरा सफ़र था बहुत अमेजिंग रहा और पेरियार नेशनल पार्क कवर करने के बाद आगे मैं एक और इंटरेस्टिंग जगह जाने वाला हूँ जो कि केरला की वन ऑफ द बेसिक्स में आता है। ये डांस फॉर्म है और जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ कथकली की। और फाइनली इसके बाद मैं गया कथकली देख। और गाइस फाइनली हम आ गए हैं एक अमेजिंग डांस फॉर्म केरला का जो आज आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। पहले आप इस पूरे डांस फॉर्म को एंजॉय कीजिए और उसके बाद मैं आपको इसकी थ्योरी हिस्ट्री सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। Sama
गाइज, ये जो आपने डांस फॉर्म अभी देखा इसको कहा जाता है कथकली, और ये केरला का मेजर डांस फॉर्म है। और इसकी जो हिस्ट्री है ये सन 1600 से काफ़ी फॉर्मलाइज तरीके से डांस एप्लीकेशन में आया, बट उससे पहले इसकी काफ़ी पुरानी हिस्ट्री है, कई हज़ारों साल पहले ये केरला की हिस्ट्री के अंदर आता है। जैसे मलयाली लैंग्वेज जो है उसका आप नहीं पता कर सकते कि वो कितनी पुरानी लैंग्वेज है, उसका कितना टाइम पीरियड पहले वो ओरिजिनेट हुई थी, या संस्कृत है। वैसे ही डांस फॉर्म जो है कथकली, ये बहुत पुराने टाइम से जाना जाता है, बहुत अमेजिंग डांस फॉर्म है। जैसे कि आपने सामने डांसर्स देख रहे होंगे, आर्टिस्ट जो परफॉर्म कर रहे हैं, कथकली का जो डांस फॉर्म रहता है इसमें एक स्टेज प्ले, एक थिएटर के तरीके से इसे प्रेजेंट किया जाता है, और सामने जो एक्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं ये एक काइंड ऑफ फोक म्यूज़िक कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको कथकली जो है वो बहुत बड़े बड़े इवेंट्स में भी आपने नोटिस किया होगा कि इंडिया को रिप्रेजेंट करता है ये। वैसे ये केरला का एक बहुत अमेजिंग डांस फॉर्म है, इसमें कई सारे करेक्टर्स होते हैं, जिसमें रामा और कृष्णा, हनुमाना, रामना, ऐसे बहुत सारे करेक्टर्स हैं डांस फॉर्म में, जिनका गेटअप जो है थोड़ा चेंज हो जाता है, पर आप जो वीडियो में देख रहे हैं ये एग्जैक्ट सेम तरीके से ही कथकली का मेजर आर्ट फॉर्म है, या मेजरली कैरेक्टर्स हैं जो एप्लीकेशन में रहते हैं, जिसमें आप देख रहे होंगे कि ये ग्रीन कलर का जो पेंट या जो गेटअप आर्टिस्ट ने लिया हुआ है ये कथकली को रिप्रेजेंट करता है। और ये केरला का वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग एक्सपीरियंस मेरा रहा। अगर आप लोग भी केरला आते हैं तो ज़रूर कथकली अटेंड करें, यहाँ के स्टेज आर्टिस्ट से मिलें, कुछ सीखें, एंड आई होप आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा इसको अटेंड करने में। गाइज, ये दूसरा आर्ट फॉर्म है जो केरला के बेस्ट आर्ट फॉर्म्स के अंदर इंक्लूडेड है। इस मार्शल आर्ट्स के कॉन्सेप्ट और इस मार्शल आर्ट्स को कलेरी पट्टू के नाम से जाना जाता है, और ये मलयाली लैंग्वेज में कलेरी पट्टू इसे कहा जाता है, और गॉडेस ऑफ स्ट्रेंथ, शक्ति जिसको ये प्रमोट करता है और पावर को प्रमोट करता है ये डांस फॉर्म, सॉरी ये मार्शल आर्ट्स। और इस मार्शल आर्ट्स में आप देख रहे होंगे कि वॉरियर्स किस तरीके से फायर से लेके स्वॉर्ड से लेके बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स यूज़ करते हैं और इसको दर्शाते हैं। बहुत ब्यूटीफुल मार्शल आर्ट्स का ये फॉर्म है, और केरला में अगर आप आते हैं इस आर्ट फॉर्म को भी आप ज़रूर नोटिस कीजिएगा। आज से लगभग 800 से 1000 साल पहले से ये आर्ट फॉर्म चलता आ रहा है, 11th से 12th सेंचुरी के टाइम से ये आर्ट फॉर्म प्रैक्टिस में है। तो आप लोगों को भी जब केरला आते हैं ज़रूर ये आर्ट फॉर्म प्रैक्टिस करना या आपको विजिट करना।
गाइस मुन्नार से मैं अब जा रहा हूँ एलपी की तरफ, और ये ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन बीच में पड़ी जहाँ पे मैं अभी रुक गया। और आप देखिए बिल्कुल क्लाउड्स है, सुबह सुबह का टाइम है केरला में, और मुन्नार में बिल्कुल क्लाउड्स के बीच में इतनी ग्रीनरी, मतलब आपको इतना ऑक्सीजन अमेजिंग फील होगा। ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन, और अब मैं यहाँ से आगे एलपी की तरफ बढ़ूँगा। गाइस ये हैं एलपी के बैक वाटर्स, और बिल्कुल नीला पानी, बिल्कुल साफ़ और कोस्टल एरिया, इतना अमेजिंग, इतना ब्यूटीफुल। मतलब केरला में अगर आप 3GP फ़ोन से भी वीडियो बनाएंगे आपको ऐसा लगेगा कि 4K वीडियो बन रही है। बिल्कुल क्लीन, इतना साफ़ सुथरा केरला है, और एलपी मतलब मेरा दिल खुश हो गया। अगर मैं आप लोगों से बोलूँ तो इंडिया का सबसे ब्यूटीफुल स्टेट जो है वो केरला है और कश्मीर है। आप लोग जिस हिसाब से आपका टेस्ट है माउंटेन्स या बीच है आप डिसाइड कर सकते हैं, केरला से सुंदर इंडिया में कुछ भी नहीं है। आई गारंटी यू ऑन दैट गाइस। गाइज ये है एलपी का सनसेट और एलपी बीच, जहाँ पे मैं इस टाइम इवनिंग में सनसेट देखने आया हूँ, और वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल साइट सीइंग है मेरी लाइफ की इस सनसेट को देखते हुए। ये बोट इस सन के नीचे क्रॉस कर रही है और इतना ब्यूटीफुल, मींस विदाउट मिल्की मैं टी पीते हुए यहाँ पे सनसेट को देख रहा हूँ, और ये वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स है मेरी लाइफ का, एंड आई एम जस्ट लविंग इट गाइज। दोस्तों आपको एक आज अमेजिंग चीज़ दिखाता हूँ जो आप लोगों ने बड़ी रेयर देखी होगी। अगर यहाँ पे मैं रनिंग कर रहा हूँ, लेफ्ट में आप देखिए मेरे समुंदर है, अरेबियन सी है, और राइट में मेरे लेक है। ये बहुत रेयर चीज़ है जो आपको बहुत कम देखने को मिलेगी कि लेक और समुंदर दोनों एक ही रोड के दोनों साइड है। बहुत ब्यूटीफुल लोकेशन है। गाइज ये था वर्कला बीच, जो कि क्लिफ बीच के नाम से जाना जाता है, और ये थी मेरी फाइनल डेस्टिनेशन केरला की। यहाँ से अब मैं सीधा निकलूँगा कन्याकुमारी के लिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।